शहर के उपजिला अस्पताल में पिछले एक महीने से स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं रहने का कारण ग्रामीण और जरूरतमंद प्रसूति को आने वाली महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हिंगनघाट में पिछले एक महीने से हिंगनघाट के उपजिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से प्रसूति के लिए आने वाली महिलाओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सेवाग्राम या सावंगी मेगी अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है। वहां हर व्यक्ति को इलाज के लिए जाना संभव नहीं है। इस अस्पताल में उनका इलाज किया जाना चाहिए। 31 अगस्त 2020 तक डॉक्टर मुंडे एक कंत्राटी पद के आधार पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका वेतन नियमित नहीं था। आम जनता को प्रश्न पड़ा है कि इतने बड़े अस्पताल में स्थायी स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ, सोनोग्राफी तज्ञ, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और सर्जन भी नहीं है। तब मरीजों का इलाज के लिए कहीं और भेजा जाता है, क्योंकि जब सभी तज्ञ डॉक्टर जरूरत होती है तो डॉक्टर नहीं रहने के कारण नतीजतन उन्हें कठिनाइयों को सहना पड़ता है। इन सभी मुद्दों को उठाते हुए जिला उपाध्यक्ष अमित सफले के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस हिंगनघाट विधानसभा के पदाधिकारियों ने आज उपजिला अस्पताल हिंगनघाट में डॉक्टर चाचर के साथ चर्चा कर उन्हें सभी मुद्दों से अवगत किया। जल्द से जल्द डॉक्टर की नियुक्ति करने की मांग यूथ कांग्रेस हिंगनघाट विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस बारे में पालक मंत्री को अवगत करने के लिए पालक मंत्री से मिलने वर्धा गए। इस अवसर पर हिंगनघाट विधानसभा के उपाध्यक्ष पंकज पाके, महासचिव श्रीकांत देवपल्लीवार, सचिव शैलेंद्र मैंद, हिंगनघाट शहर के अध्यक्ष अंकुश दा कुचनवार, उपाध्यक्ष करण सिंह भांडा उपस्थित थे। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।